क्या तुम लोगों को पता है माइनक्राफ्ट के अंदर एक ऐसा हथियार भी है जिसका इस्तेमाल करके अगर हम लोग स्पाइडर के ऊपर हमला करते हैं तो फिर स्पाइडर हमारे ऊपर हमला नहीं करता है, या फिर कैसे सर्वाइवल में होने के बावजूद भी ये वाला विंडिकेटर हमारे ऊपर हमला नहीं कर रहा है। और बताओ कैसे हो। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर हर एक अपडेट में नया नया फीचर्स आता है और उसके साथ साथ नया नया ग्लिच भी आता है। तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग बेसिकली माइनक्राफ्ट के जावा एडिशन एंड माइनक्राफ्ट के बेडरॉक एडिशन के कुछ एपिक ग्लिच देखने वाले। मजे की बात ये है, ये सारा का सारा ग्लिच भाई माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट वर्जन में काम करता है। तो चलो जी भैया आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब ना पहले नंबर का ग्लिच आ रहा है भाई स्पाइडर से। देखो ये तो हम सबको बताए, दिन के उजाले में अगर हम लोग स्पाइडर के ऊपर हमला करते हैं तो फिर स्पाइडर भी हमारे ऊपर हमला करता है। लेकिन इधर एक ट्विस्ट है मेरे भाई, माइनक्राफ्ट के अंदर एक ऐसा हथियार भी है जिसका इस्तेमाल करके अगर हम लोग स्पाइडर के ऊपर हमला करते हैं तो फिर स्पाइडर हमारे ऊपर हमला नहीं करता है भाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माइनक्राफ्ट के खतरनाक हथियार विंड चार्ज के बारे में। बेसिकली माइनक्राफ्ट के अंदर अगर हम लोग विंड चार्ज का इस्तेमाल करके स्पाइडर के ऊपर हमला करते हैं तो फिर somehow पता नहीं क्यों लेकिन स्पाइडर हमारे ऊपर हमला नहीं करता है। स्पाइडर बिल्कुल ही इग्नोर मारता है हम लोगों को, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि विंड चार्ज का इस्तेमाल करके अगर हम लोग दूसरे मॉब के ऊपर हमला करते हैं तो फिर वो लोग हमारे ऊपर हमला जरूर करते हैं। बेसिकली ये एक ग्लिच है जो कि माइनक्राफ्ट के जावा एडिशन के अंदर ओपी तरीके से काम कर रहा है। अब ना दूसरे नंबर का आइटम आ रहा है भाई वीदर स्केलेटन से। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर वीदर स्केलेटन नेदर में मिलता है और नेदर में ही अच्छा लगता है। अगर हम लोग वीदर स्केलेटन को ओवर वर्ल्ड में लेके आते हैं तो फिर वो भाई अजीबोगरीब हरकतें करना चालू कर देता है। जैसे कि ये तो हम सबको बताए माइनक्राफ्ट के अंदर वीदर स्केलेटन में भाई आग नहीं लगता है, इसीलिए वीदर स्केलेटन भाई सनलाइट के अंदर भी बड़े आराम से सरवाइव कर सकता है। लेकिन मजे की बात ये है, अगर हम लोग वीदर स्केलेटन को सनलाइट में छोड़ देते तो फिर वो भाई बड़ा ही नॉर्मल तरीके से घूमता है। लेकिन मेरे भाई जैसे ही वीदर स्केलेटन भाई पेड़ के छांव में आता है तुरंत वीदर स्केलेटन के अंदर भाई नॉर्मल स्केलेटन का आत्मा घुस जाता है। मतलब बंदा भाई पेड़ के छाव से निकलता ही नहीं है। इधर बवाल ये है, अगर हम लोग वीदर स्केलेटन के बिल्कुल ही सामने खड़े हो जाते तब भी वीदर स्केलेटन भाई पेड़ के छाव से निकल के हमारे ऊपर हमला नहीं करता है। अजीब ही ढीठ बंदा है भाई। और तो और ये वाला ग्लिच भाई माइनक्राफ्ट के दोनों एडिशन के अंदर काम करता है। यही पे खत्म नहीं होता है, माइनक्राफ्ट के अंदर अगर हम लोग वीदर स्केलेटन को किसी भी तरीके का हेलमेट पहना देते तो फिर थोड़ी देर बाद सूरज के रोशनी में वो वाला हेलमेट जल के टूट जाता है, जबकि सूरज के रोशनी के साथ वीदर स्केलेटन का कोई भी कनेक्शन नहीं है, फिर भी टूट जाता है भाई ऐसी की तैसी। देखो ऐसे ही छोटे छोटे डिटेल कौन बताएगा तुम लोगों, मैं बताऊंगा यार। तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, अभी तक 83 के सब्सक्राइबर नहीं हुआ है। देखो तीसरे नंबर का ग्लिच भाई आ रहा है सीधे बेडरॉक एडिशन से। माइनक्राफ्ट के अंदर अगर हम लोग एले को कोई भी आइटम पकड़ा देते तो फिर उसके बाद हम लोग एले के ऊपर हमला नहीं कर सकते, ये तो पता है सबको। लेकिन इधर भी बेडरॉक एडिशन के अंदर एक ग्लिच देखने को मिलता है। बेसिकली अगर हम लोग किसी भी स्वॉर्ड के अंदर फायर एस्पेक्ट वाले एंचेंटमेंट को डाल देते एंड देन वही वाले स्वॉर्ड से एले के ऊपर हमला करते तो फिर काफी अजीबोगरीब तरीके से एले के ऊपर आग लग जाता है भाई। मतलब नॉर्मल स्वॉर्ड से अगर हम लोग हमला करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फायर एस्पेक्ट से आग लग जाएगा, ये सही है भाई। खैर पांचवे नंबर पे है भाई जॉनी विंडिकेटर। यार ये बंदा एक अलग ही आइटम है भाई, इससे रिलेटेड फीचर्स एंड ग्लिच भाई खत्म ही नहीं होता है। देखो बेसिकली बेडरॉक एडिशन के अंदर जॉनी विंडिकेटर के साथ एक अजीब सा ही दिक्कत होकर रखा है, क्योंकि बेडरॉक एडिशन के अंदर जॉनी विंडिकेटर भाई पूरी तरीके से पागल हो चुका है। ये बंदा भाई आर्मर स्टैंड के ऊपर हमला करता है। आर्मर स्टैंड के ऊपर? यार आर्मर स्टैंड के ऊपर कौन हमला करता है? ठीक है भाई, मैं और क्या ही कह सकता हूँ यार। देखो जॉनी विंडिकेटर का पागलपंती इधर ही खत्म नहीं होता है। बेडरॉक एडिशन में जॉनी विंडिकेटर भाई पैरेट के ऊपर हमला करता है। अभी तुम लोग कहोगे उसमें क्या, हमारे कंधे के ऊपर बैठा हुआ पैरेट के ऊपर हमला करता है भाई। जी हाँ, अगर हम लोग पैरेट को अपने कंधे के ऊपर बैठा लेते तो फिर पागल विंडिकेटर भाई उसके पीछे ही पड़ जाता है। मजे की बात ये है, ये चीज अगर हम लोग सर्वाइवल में करते तो फिर विंडिकेटर भाई हम लोगों को छोड़ के हमारे पैरेट के ऊपर हमला करता है। मेरे भाई तू समझने की कोशिश कर, तू उसको नहीं मार सकता है, वो तेरे औकात के बाहर है। तो जी हाँ, ये भी एक ग्लिच है जो कि सिर्फ और सिर्फ बेडरॉक एडिशन में काम करता है। खैर छठे नंबर पे है भाई मिल्क बकेट। क्या तुम लोग को पता है माइनक्राफ्ट के अंदर एक जादुई मिल्क बकेट भी देखने को मिलता है। एक ऐसा मिल्क बकेट जिसको अगर हम लोग पीने की कोशिश करते तो फिर वो कभी खत्म ही नहीं होता है, मतलब हम लोग पीते ही जाते हैं बस। ये वाला मिल्क बकेट एक्चुअली में हम लोग 100% सर्वाइवल में ले सकते हैं। बेसिकली इस वाले मिल्क बकेट को लेने के लिए अपने को पहले माइनक्राफ्ट के अंदर एक काऊ के ऊपर भाई
भाई आयरन के स्वॉर्ड से हमला करना है, उसके बाद अपना मिल्क बकेट लेना है एंड एक ही बारी में माउस का दोनों बटन को क्लिक करना है ताकि भाई एक ही हिट में काउ भी मर जाए और अपने को मिल्क भी मिल जाए। बस काम खत्म, अपने को मिल चुका है इन्फर्नाइट मिल्क बकेट, एक ऐसा मिल्क बकेट जिसके अंदर का मिल्क भाई कभी भी खत्म नहीं होता है। हालांकि देखो ये कोई काम का आइटम है नहीं क्योंकि इसके अंदर का मिल्क हम लोग पी ही नहीं सकते भाई, अगर हम लोग पीने की कोशिश करते तो फिर हम लोग पीते ही जाते, कमाल का आइटम है। और तो और मजे की बात ये है, इस वाले मिल्क बकेट को अगर हम लोग ड्रॉप कर देते तो फिर इसके अंदर का मिल्क भाई गायब हो जाता है। ये बेसिकली एक ब्रोकन मिल्क बकेट है जिसके अंदर कोई मिल्क है ही नहीं, लेकिन ये वाला ग्लिच भाई सिर्फ और सिर्फ जावा एडिशन में ही काम करता है। खैर सातवें नंबर पे है भाई कॉन्डुइट। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर कॉन्डुइट के पास एक स्पेशल पावर होता है। बेसिकली माइनक्राफ्ट के अंदर अगर कॉन्डुइट एक्टिवेट है एंड उसके आसपास कोई भी हॉस्टाइल मॉब आता है तो फिर उस हॉस्टाइल मॉब को कॉन्डुइट भाई डैमेज देके खत्म कर देता है। मतलब कॉन्डुइट के पास भाई किसी भी हॉस्टाइल मॉब को मारने का पावर होता है। लेकिन मजे की बात यह है, स्केलेटन हॉर्स अगर कॉन्डुइट के आसपास भटकता है तो फिर कॉन्डुइट भाई स्केलेटन हॉर्स को भी मार देता है। हालांकि स्केलेटन हॉर्स भाई एक पूरी तरीके से पैसिव मॉब है, अगर हम लोग स्केलेटन हॉर्स के ऊपर हमला करते तब भी स्केलेटन हॉर्स हमारे ऊपर हमला नहीं करता है। इतना शांत मॉब को कॉन्डुइट कैसे मार सकता है भाई। वंस अगेन ये भी एक ग्लिच है जो सिर्फ और सिर्फ बेडरॉक एडिशन के अंदर काम करता है। आठवें नंबर पे है भाई रैबिट्स 2। देखो ये तो हम सबको बताए माइनक्राफ्ट के अंदर हम लोग डॉग को रैबिट्स 2 खिला सकते हैं, लेकिन मजे की बात ये है बेडरॉक एडिशन के अंदर इसमें भी एक खतरनाक ग्लिच देखने को मिलता है। बेसिकली बेडरॉक एडिशन में अगर हम लोग डॉग को रैबिट्स 2 खिलाने की कोशिश करते तब फिर डॉग भाई बड़े आराम से रैबिट्स 2 को खा लेता है। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है, डॉग भाई रैबिट्स 2 के साथ साथ बोल भी खा लेता है। मतलब हद है भाई, लकड़ी का बोल कैसे खा सकता है कोई। लेकिन सब कुछ एक्चुअली में हम लोगों के आंखों के सामने हो रहा है भाई, डॉग एक्चुअली में बोल खा रहा है भाई। खैर निकल लेते अपना नौवे नंबर की ग्लिच के ऊपर। देखो ये तो हम सबको बताए माइनक्राफ्ट के जावा एडिशन के अंदर अगर हम लोग किसी भी हॉर्स को या फिर डोंकी को टेम करने की कोशिश करते तब फिर पहली बार हम लोग को खाली हाथ उसके ऊपर चढ़ना पड़ता है। अगर हमारे हाथ में कुछ भी होता है तो फिर हम लोग हॉर्स या फिर डोंकी के ऊपर राइड नहीं कर पाते। ये तो गया जावा एडिशन का फंडा, लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर इसमें भी एक ग्लिच देखने को मिलता है। बेसिकली बेडरॉक एडिशन के अंदर अगर हमारे हाथ में कुछ भी होता है तब भी हम लोग बड़े आराम से हॉर्स या फिर डोंकी के ऊपर राइड कर सकते और उनको टेम भी कर सकते है। गलत है भाई, ये तो नाइंसाफ ही हो रहा है जावा एडिशन वालों के साथ। खैर निकल लेते अपना लास्ट वाला ग्लिच के ऊपर जो कि है भाई स्ट्राइडर। क्या तुम लोगों को पता है माइनक्राफ्ट के अंदर स्ट्राइडर को भाई लावा से फॉल डैमेज मिलता है। जी हाँ, अगर ऊंचाई से स्ट्राइडर भाई लावा के ऊपर गिर जाता है तो फिर स्ट्राइडर को भाई लावा से फॉल डैमेज मिलता है और वो भाई निकल लेता है। स्ट्राइडर लावा के ऊपर तैर सकता है लेकिन फिर भी स्ट्राइडर को लावा से फॉल डैमेज मिलता है, ये लॉजिक बढ़िया है भाई। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो इधर ही खत्म करते हैं, लेकिन अगर ऐसे ही माइनक्राफ्ट के ग्लिच के वीडियो देखना है तो इस वाले वीडियो को चेक कर सकते हो। मिलता हूं तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।